प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस की चुनौतियों के संबंध में मंडल के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DIG राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, ADMCT राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंडल में कोरोना वायरस के बचाव के लिए किए गए तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा गया कि कोरोना के रोकथाम के लिए अभी कोई वैक्सीन या दवा नहीं बनी है, इसको रोकने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसी सावधानी से कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। उसके दृष्टिगत पॉजिटिव केसेस की कुल संख्या 410 है और ये प्रदेश के 40 जनपदों से ये संख्या आई। आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और जनपद है जिनमें की संख्या लगातार आई है। बुलंदशहर में भी आई है, बस्ती में भी आई है। अब आपने देखा बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल के निर्देश जारी हुए थे और इसमें जो आपको जानकारी है कि कोई इसकी वैक्सीन नहीं है वर्तमान या अभी इसकी कोई एंटीवायरस, इसका सबसे कारगर तरीका है क्योंकि एक बार आदमी संक्रमित हो जाए तो कोई भी इसकी अभी दवा इजाद नहीं हुई है। और संक्रमण से बचने के जो तीन है तो कम से कम 25-30 सेकंड तक साबुन पानी से हाथ धोना होगा, 5-7 सेकंड से वायरस नहीं बढ़ता है। 25-30 सेकंड तक हैंड वॉशिंग करें, हमेशा बना रहता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है और जो डिफरेंट मॉडलिंग हो रही थी उसके अनुसार भारत में काफी ज्यादा केसेस अभी तक हो सकते थे। जो भी देश है जिनमें भी 100 क्रॉस करने के बाद से बहुत तेजी से बाकी के देशों में बढ़ा, लेकिन हमारे यहाँ जो लॉकडाउन हुआ, जो सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स की गई, उसी का वजह है, उसी का कारण है कि अभी उसी कारण से संख्या हमारी उतनी नहीं बढ़ी है। और इस संक्रमण को अगर रोकना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक आदेश कल हुआ है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत जिसमें अब सार्वजनिक स्थलों पर जब भी कोई भी व्यक्ति निकले उसके लिए अपने चेहरे को कवर करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके लिए वो बाजार से खरीदा हुआ मास्क, उसका उसके पास कपड़ा हो, गमछा हो, अंगोछा हो, रुमाल हो, दुपट्टा हो, उसका भी प्रयोग अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें लोगों को यह भी बताने की आवश्यकता है कि इसमें इम्यूनिटी का एक बड़ा भारी रोल है। जो भी हमारे केसेस आ रहे हैं उसमें केस मैनेजमेंट भी ये देखा जा रहा है, लगभग 75% केसेस बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उनमें कोई भी लक्षण भी नहीं आते, न उनको बुखार होता है, न छींक आती है, न उनको कोई बहुत सर्दी खांसी होती है और उसके बाद समय पूरा होने के बाद उन्हें उनका संक्रमण समाप्त हो जाता है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो और तरीके हैं जैसे गिलोय का सेवन है या तुलसी अदरक का काढ़ा है, अजवाइन का अर्क है, इन सब चीजों का सेवन भी करना चाहिए। लोगों को प्राणायाम भी अभ्यास करना चाहिए जिससे कि उनके जो श्वसन की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। इसके अलावा अभी आपको जो कंटेनमेंट मेजर है उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आप लोग ये जानकारी रखते हैं कि जहां भी एक केस आता है कोई, अगर सिंगल केस हो उसके 1 किलोमीटर के एरिया में रेडियस में कंटेनमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और अगर कहीं क्लस्टर फॉर्मेशन होता है, कहीं अगर मान लीजिए कि 3-4 केसेस आ गए, तो बहुत ही रिगरस और मेटिकुलस एक्सरसाइज। इसका मतलब यह है कि उस रेडियस में जितने भी घर पड़ेंगे आपको हेल्थ टीम घर घर जाएगी, घर घर जाकर के देखेंगे कि कोई किसी व्यक्ति में कोई लक्षण तो नहीं है, उनसे पूछेंगे। अगर किसी में कोई लक्षण है उसको आप अगर कोई बुखार हो रहा हो, सर्दी हो रही, इस तरह की चीजें अगर लक्षण दिखाई पड़ रहे हो, उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में ले आइए।
कस्टडी क्वारंटाइन में ला करके उनकी जांच करवाई है। अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं वो लोग तो उनको आइसोलेशन में ले जाइए, अस्पताल में ले जाइए आइसोलेशन में। अगर निगेटिव है तो भी उनको वहाँ 14 दिन तक वहीं रखिए, कस्टडी में रखिए, और फिर उनको कहिए कि आप घर जा करके 14 दिन के बाद आप 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे, आप घर से नहीं करिए। ये काम आपको क्लस्टर के जितना कंटेनमेंट का एरिया है उनमें घर घर में आपको ये करवाना पड़ेगा कि अगर किसी के भी लक्षण है तो उसको आपको लाना पड़ेगा। और जो पॉजिटिव हुआ जहां क्लस्टर बना उसका जो भी कॉन्टैक्ट है, जो भी उसके घर वाले हैं या उसके जो निकट कॉन्टैक्ट में जो लोग भी आए हैं जिनका भी उससे क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ है, उन सबको फैसिलिटी क्वारंटाइन में लगना बिल्कुल मस्ट है, उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में आना बिल्कुल आवश्यक है। और ला करके उनकी सैंपलिंग करवाना, और सैंपलिंग के बाद जो मैंने बताया प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के अनुसार काम करना होगा। जब तक कि हम लोग संक्रमण को फैलने से नहीं रोकते तब तक आप जानते हैं आईसीएमआर की स्टडी आई है, एक व्यक्ति जो है संक्रमित है अगर उस संक्रमण को नहीं रोका गया तो एक व्यक्ति 30 दिन में 406 व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है।